JNU Students Union Chief Kanhaiya Kumar has been released from jail and he has got a hero's welcome. While he has been accused of raising pro-Afsal slogans, the boy from Bihar's Begusarai has said that his icon is Rohit Vemula and not Afsal Guru. At a press conference, Kanhaiya said that the taxpayers' money is absolutely safe. आप जो टैक्स देते हैं, उस टैक्स की सब्सिडी से जो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, हम आपको इंश्योर करना चाहते हैं कि जेएनयू के लोग, जेएनयू में पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी देशद्रोही नहीं हो सकता, इस बात के लिए आप आश्वस्त हो। He also urged the government to not press serious charges like sedition against students as it can ruin their future. Kanhaiya steered clear of the controversy around parliament attack convict Afsal Guru, saying Afsal Guru is not his icon, Rohit Vemula is. मेरे लिए अफजल गुरु आइकन नहीं है, मेरे लिए आइकन आज के समय में रोहित वेमुला है, और हम कहते हैं कि घर घर में रोहित निकलेगा, तुम कितने रोहित मारोगे, घर घर में रोहित निकलेगा, यही हमारा जवाब। Kanhaiya walked out of Tihar jail on Thursday to a welcome 3 weeks after his arrest on sedition charges that saw massive protests. ये शहादत दे रहा है, उसकी शहादत, और जो किसान खेतों में आत्महत्या कर रहा है उसकी शहादत, और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में साथी रोहित वेमुला की शहादत बेकार नहीं जाएगी। यह शहादत देश को बचाने की शहादत है, और तुम जो बांटने की साजिश कर रहे हो, इस देश के किसानों को, किसान के बेटे को, किसान की बेटियों को, और उसका वो बेटा जो सीमा पे लड़ रहा है उसको, तुम ये बांट नहीं पाओगे, क्योंकि देशभक्ति और राजद्रोह में फर्क होता है, देशद्रोह और राजद्रोह में फर्क होता है। Kanhaiya was arrested on February 12th in connection with the event. He was granted interim bail for 6 months by the Delhi High Court on Wednesday on conditions that he'll cooperate in the ongoing investigation. गोरे चले जाएंगे, काले रूल करेंगे, तो ये चेले चपाटे जो उस राजद्रोह का, सेडिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, संविधान के पक्ष में खड़ा होने वाले लोगों के खिलाफ, लोगों की समानता, न्याय, लोकतांत्रिक अधिकार, बराबरी और धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद के लिए लड़ने वाले लोगों के खिलाफ, उनको संवैधानिक तरीके से ही जवाब दिया जाएगा। इस देश के संविधान, न्यायिक प्रक्रिया पे जेएनयू एसयू का, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का पूरा भरोसा है। जो घटना 9 तारीख को घटी, हम उसका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। वो राजद्रोह है कि नहीं है, यह अदालत तय करेगी। केस के मेरिट पे हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अदालत पे हमको पूरा भरोसा है, संविधान पे हमको भरोसा है। लाख कोशिशों के बावजूद ये उसके फैब्रिकेटेड नहीं कर पाए हैं, क्योंकि संविधान वीडियो नहीं है जिसको आप डॉक्टर कर देंगे। कि देश की सरकार है, ताज्जुब यह है कि एक पार्टी की सरकार बन गई है, एक पार्टी नहीं, एक दफ्तर की सरकार बनती जा रही है। उनको एहसास कराना है कि आप देश की सरकार हैं, देश के प्रधानमंत्री, देश के शिक्षा मंत्री हैं, और आपके दायित्व किसी ऑफिस से नहीं, संविधान और संसद से तय होगा, और वो जिम्मेवारी हम तय करेंगे। आपसे कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है, वैचारिक मतभेद है, मनभेद नहीं है, मन की बात नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैं नेता नहीं हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, और हमारे कैंपस के जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने अपना प्रतिनिधि मुझे चुना है, इससे ज्यादा मैं अभी सोच नहीं रहा हूँ। Powered by NNIS.